इस नदी की ये स्थिति है, इस नदी की बहुत दंडनीय स्थिति है, क्योंकि इस नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन से काफ़ी पैसा आया, सरकार से काफ़ी पैसा आया, पर प्रशासन ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इसमें गंदगी, बीमारियां पैदा होती हैं, जिससे लोग बीमारियों से ग्रसित हैं। आसपास के क्षेत्रों में भी यहाँ एक गरीबों की बस्ती है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, नंगे घूमते हैं। गंदगी के आंसू रोने पर मजबूर है देश की प्राचीन करवन नदी। हाथरस तहसील के सादाबाद कस्बे से गुजरने वाली करवन नदी अब नाले में तब्दील हो चुकी है। पूरे शहर का नाला नदी में गिरता नजर आ रहा है, जिससे भयंकर बीमारियां व्याप्त हो रही हैं। लोगों की शिकायत पर भी प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाए हैं। जब इस मामले में प्रशासन से बात की गई तो प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आए। प्रशांत कौशिक, ईटीवी हाथरस।